पाकिस्तान की जेल से जासूसी के आरोप में 28 वर्ष से अधिक समय गुजारने के बाद गुजरात का एक व्यक्ति अपने वतन लौट आया है। लौटने के बाद उस व्यक्ति ने भारत सरकार से पड़ोसी देश की जेलों में बंद अन्य लोगों को वापस लाने की मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि 25 अगस्त को पाकिस्तान से भारत लौट रहे कुलदीप यादव 60 वर्ष अहमदाबाद अपनी बहन और 3 भाइयों से मिलने के बाद सरकार से उन्हें पुनर्वास में मदद करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास कुछ भी नहीं है और वह हमेशा के लिए अपने भाई बहनों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। मतलब कोई रक्षाबंधन ऐसा जाता ही नहीं है कि भाई को याद ना किया जाए, लेकिन हमारा भाई तो हमारे इन 32 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि हमने हमारे भाई को याद नहीं किया, लेकिन हर रक्षाबंधन पे तो आंसू निकल ही जाते थे क्योंकि भाई की कमी बहुत महसूस होती थी। पर अब खुशी है कि भाई आ गया, त्यौहार हमारे सारे हमारे भाई से ही है। और रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा है कि रक्षाबंधन जाने के जस्ट कुछ दिन बाद ही ऐसा ही, लेकिन आते ही मैंने सबसे पहले उन्हें राखी बांधी जो मैंने मेरे गणपति के चरणों में रखी हुई थी, वो राखी वहाँ से लेके और उनको मैंने बांधी। 32 साल इंतजार में गया था, आज आ गया वापस, कैसा महसूस होता है, कैसा अनुभव, पहली मोमेंट क्या थी आपकी? बस सबसे पहले बार मुझे कानों में आवाज़ आई कि ऐसे आपके भाई आ रहे हैं, तो मैं एकदम वो हो गई कि कहीं कुछ कोई गलत मेरे को मैसेज तो नहीं दे रहा है। लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा, बोले नहीं आपके भाई आ गए हैं, तो मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे को जब रात को पता चला, पूरी नाइट में सो नहीं पाई, बस ऐसा कि कब सुबह हो और कब यहाँ से भाई को लेने निकले, ऐसा था। भाई को लेके आए, वो पल बहुत ही खुशी भरा था। लेकिन बोलते हैं ना, जैसे एक कोई तपस्वी अपनी तपस्या कर रहा है और उसके बाद उसे भगवान मिल जाते हैं ना, बस मेरे लिए तो वैसा ही था कि इतने सालों की तपस्या के बाद जैसे